हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ वाइट वायरलेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 5-6 महीने तक पुराना हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मतलब यहाँ पे रिव्यू दिया जाए और अनबॉक्सिंग भी की जाए कि यहाँ पे वाइट वायरलेस कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों डिटेल के अंदर बात करने वाले वीडियो के अंदर और फुल रिव्यू करने वाले दोस्तों यहाँ पे मतलब हम चला के बताएंगे आपको कि वाइट वायरलेस जो है दोस्तों यहाँ पे आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं इसके मतलब क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं मोबाइल को अनबॉक्स। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको व्हाइट वायरलेस का बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है व्हाइट वायरलेस, और यहाँ पे वीवो की सील ठोकी गई है, और यहाँ पे लिखा गया 3 GB रैम और 32 यहाँ पे GB रोम के साथ मिलता है आपको। तो दोस्तों देखते हैं इसको खोल के और क्या मिलता है, और पीछे यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी करते हैं सील ब्रेक और आपको यहाँ पे खोल के दिखाते हैं व्हाइट वायरलेस। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है सील ब्रेक करने में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी सील ब्रेक कर दी है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसको डिब्बे के बाहर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे सिम रिजेक्टेड टूल, और ये मिलता है आपको प्यारा सा कवर जो कि मोबाइल की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इनको एक बार रखते हैं साइड में और निकालते हैं हमारे प्यारे से मोबाइल को और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है आपको। तो मोबाइल को भी एक बार रखते हैं साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 वोल्ट का एक चार्जर मिल रहा है, और यहीं पर आपको केबल मिल रही है। देखते हैं सी टाइप, नहीं दोस्तों यहाँ पे सी टाइप केबल नहीं है, तो ये नॉर्मल केबल मिल रही है आपको। तो इनको करते हैं साइड में और अब देखते हैं हमारा प्यारा सा मोबाइल। तो ये देखिए दोस्तों हमारा प्यारा सा मोबाइल, तो इसको निकालते हैं इस पॉलीथिन के बाहर और दिखाते हैं आपको इसका कैसा है इसका लुक्स। तो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं इसके बाहर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलता है आपको वाइट वायरलेस। जी हाँ दोस्तों, वीवो का जो मोबाइल है वाइट वायरलेस दोस्तों काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और दोस्तों इसकी जो खास बात है दोस्तों इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्हाइट वायरलेस है, यहाँ पे वीवो Y20G की तरह लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि वीवो Y20G ही है, पर वीवो Y20G की लुकिंग दी गई है, पर यहाँ पे व्हाइट वायरलेस है और प्रोसेसर वगैरह पूरा चेंज किया गया है दोस्तों यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इसकी जो प्राइस है दोस्तों काफ़ी कम है, और यहाँ पे प्रोसेसर भी इसका दोस्तों हल्का ही मिलता है। मैं बताने वाला हूँ आगे किसका क्या प्रोसेसर है और इसका क्या कैमरा है, क्या डिस्प्ले है। तो वीडियो के अंदर बने रहे दोस्तों, यहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग की। तो दोस्तों इसकी डिजाइनिंग तो काफी अच्छी दी गई है दोस्तों। यहाँ पे राइट साइड में आपको पावर बटन के ऊपर ही आपको मिलता है फिंगरप्रिंट, और यहीं पर इसके इसी के ऊपर आपको मिलते हैं वॉल्यूम बटन। और दोस्तों नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे स्पीकर्स मिलते हैं, और यूएसबी पोर्ट मिलती है दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग के लिए, और माइक मिलता है, और दोस्तों 3.5 mm का जैक भी मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिम स्लॉट मिलता है, और दोस्तों ऊपर की साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे पीछे से ऐसे ग्लास का लग रहा है, पर ग्लास नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टिक ही लग रहा है मुझे। दोस्तों यहाँ पे कैमरे की डिजाइनिंग तो अच्छी दी गई है, पर यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कैमरा यहाँ पे गोल चक्कर बना दिया, पूरा चूतिया बना रहे दोस्तों। कोई 3 कैमरे नहीं, यहाँ पे 2 ही कैमरे मिलते हैं, और इसी के नीचे आपको फ्लैश लाइट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 2 ही कैमरे मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन कैमरा मिलता है दोस्तों 13 MP का मिलता है जो वाइड कैमरा है, और 2 MP का दोस्तों यहाँ पे डेप्थ मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इसके अंदर सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों सेल्फी कैमरा भी इतना खास नहीं है इसके अंदर। दोस्तों 8 MP का मिलता है आपको सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ आपको, मतलब वाइट वायरलेस से जो क्लिक किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इनको मतलब देखकर पता चल जाएगा कि वाइट वायरलेस का कैमरा कैसा है। तो आपने देखे होंगे दोस्तों यहाँ पे फोटोज, तो यहाँ पे कैमरा मतलब नॉर्मली यूज के लिए काफी अच्छा है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। और दोस्तों इसकी वेट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे मतलब इतना हल्का भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा भारी मिलता है आपको। जी हाँ दोस्तों, 191 ग्राम का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 191 ग्राम, यानी कि इतना हल्का नहीं है, थोड़ा सा भारी मिलता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब थोड़ा भारी मिलता है आपको। और दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंचेस की इसकी डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले नॉच डिस्प्ले मिलती है आपको, तो 6.5 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिल रही है जो कि नॉर्मली दोस्तों अच्छी है, यहाँ पे ना ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा
छोटी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मतलब मुझे इसके अंदर क्या अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसके जो बैटरी है दोस्तों वो काफी ज्यादा मिलती है आपको। जी हाँ दोस्तों, 5000 mAh की आपको इसकी बैटरी मिलती है, जो कि दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा है इस बजट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी और 10W का चार्जर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी जो है ना दोस्तों काफी ज्यादा है। बैटरी के मामले में Y12S बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो दोस्तों इसकी प्राइस की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो है ना वो आपको मिलती है 10,490 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 10,400 यानी कि 10,500 मान लीजिए आप। तो दोस्तों 10,500 के अंदर आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप ऑर्डर करना चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे 10,500 का मिलता है Y12S 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड 10 मिलता है और फ्रंट टच आपको 11 मिलता है। और दोस्तों इसका जो चिपसेट मिलता है आपको, जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक हीलियो P35। जी हाँ दोस्तों, और वो भी दोस्तों 12nm के साथ, यानी कि दोस्तों काफी हल्का है इसका प्रोसेसर 12nm। जी हाँ दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट है वो 7nm आ रहे हैं और ये यहाँ पे 12nm का मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो दोस्तों इसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह, जी हाँ दोस्तों, अगर PUBG वगैरह खेलना चाहते हो आप इसके अंदर, तो दोस्तों ग्राफिक्स वगैरह इतने अच्छे नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए ये मोबाइल नहीं बनाया गया है। ये जो मोबाइल बनाया गया है दोस्तों, ये स्पेशली मतलब नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे लेडीज वगैरह, यहाँ पे फैमिली के अंदर, या मतलब कोई नॉर्मल बात करता है, या नॉर्मल कैमरा चाहिए किसी को, तो दोस्तों उसी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल गेम खेलते हो तो इसके अंदर खेल सकते हो। भारी गेम अगर आपको खेलना है तो दोस्तों आप इसके अंदर अच्छी तरह से नहीं खेल सकते। तो दोस्तों मेरी मतलब इसका क्या राय है कि यहाँ पे आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल यूज के लिए खरीदना चाहते हो तो दोस्तों इसको खरीद सकते हो 10,500 के अंदर। मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा इसके अंदर दोस्तों। तो मतलब मैं तो अगर यहाँ पे होता तो नहीं खरीदता। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रिव्यू देने के लिए दोस्तों यहाँ पे खरीदा है, मतलब मंगवाया है। तो ऑनलाइन मंगवा के मतलब आपको रिव्यू दिया है। तो आपकी मर्जी, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। मतलब यहाँ पे बैटरी इसकी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आपको बैटरी और नॉर्मल कैमरा चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो दोस्तों। यहाँ पे 10,500 के अंदर आपको मिल जाएगा बढ़िया सा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, अगर आप Y12S यूज करते हो या खरीदना चाहते हो तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।